राइट, अब जिस तरीके की पहली रिफ्लेक्ट हो रही थी, कम से कम अभी तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 51-33 है सर टैली में, 51 बीजेपी, कांग्रेस 33। पूर्णिमा जी, उसके लिए हमें 2023 और 24 के अनुमान और परिणाम दोनों का गंभीरता से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मतदाताओं का मन समझना बहुत कठिन हो गया है। 2023 में याद करिए, जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार बनवा दी गई थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। हम लोगों के हाथ में नहीं था, नहीं तो कमलनाथ जी और भूपेश बघेल जी का शपथ ग्रहण भी करवा देते। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 163 सीट यानी सर्वाधिक सीट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पाई, और छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल सीधे उलट परिणाम आए। हरियाणा में भी जो हम सबका अनुमान था कि इस बार 20 से 25 सीटों पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जो रुझान है वो बता रहा है कि मतदाताओं का मन अब कोई नहीं समझ पा रहा, ना राजनीतिक दल और ना ही एजेंसियां। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात, राकेश जी 2 सेकंड के लिए बस रोकना चाहती हूँ आपको। अभी इस वक्त पानीपत में काउंटिंग के रोके जाने की खबर है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस के हंगामे के बाद काउंटिंग रोकी गई। अब कांग्रेस ने पानीपत में हंगामा क्यों किया, ये जरा समझना होगा। लेकिन अभी काउंटिंग रोकी गई है पानीपत में, और क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया गया है, जिसके बाद अभी काउंटिंग रोक दी गई है। और इधर जुलाना से देखिए, विनेश फोगाट फिर से पीछे हो गई हैं। इधर पानीपत में वोटिंग रोक दी गई है। राकेश जी अपनी बात को पूरा करेंगे सर। मैं बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या ना बने, लेकिन यदि घाटी में भारतीय जनता पार्टी एक भी विधानसभा सीट जीतती है तो मुझे लगता है उसके राजनीति में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर हम देख रहे हैं, चश्मा लगा के हम ये देख रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों नहीं बन रही, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पैटर्न को समझना होगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, ये वो राज्य हैं जो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में के लोग वहां झंडा उठाने वाले नहीं थे, कोई पोलिंग एजेंट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं जरा सुनना होगा। कुछ कहा गया है चुनावों के दौरान भी, लेकिन आज तो नतीजों का दिन है। नतीजों के दिन हुड्डा साहब क्या कहते हैं, मायने बड़े होंगे उसके। लेकिन देखिए, हरियाणा के जो रुझान है उसमें बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, सरकार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं नहीं, वो तो अभी 2 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे, कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं, ये पार्टी फैसला करती है। हुड्डा साहब बड़े बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू ऑनली? नहीं, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी सर, फुल फ्लैग मेजोरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको। कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ सर, क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, ऑल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड रियल क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ हरियाणा। हाउ मेनी क्वेश्चन विल यू आस्क? यू आस्क वन क्वेश्चन, देयर आर अदर्स आल्सो। सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या?
नहीं था, जहाँ कहीं कहीं क्लोज है कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। नतीजे मेरे को मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अरे नहीं जलेबी खुआ सबने, हो गया बेटे अभी ऐसे ऐसे बैठा। तो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बड़ा स्टेटमेंट, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। हालांकि कांग्रेस का यही स्टैंड है और कांग्रेस हरियाणा को लेकर यही कह रही है कि हम ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन अदिति हुड्डा साहब की बॉडी लैंग्वेज, हर चुनाव प्रचार के दौरान मंचों पर हुड्डा साहब की बॉडी लैंग्वेज बॉम्ब की तरह देखिए, मुस्कुराहट बॉम्ब की तरह देखिए। और ये जो एक ही स्टेटमेंट वो कह रहे हैं सरकार बनने जा रही है, उनके चेहरे की स्थिति रिपीट मोड में। और ये एक आप समझिए पूर्णिमा, ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा। जब हमने इनसे मिले और इनसे पूछा कि दीपेंद्र हुड्डा अगर जीतते हैं तो सीएम बनेंगे, तो उन्होंने कहा आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं, मैं नहीं होऊंगा। तो आप देखिए जब ये अपने बेटे के नाम पे भी इस तरह से उन्होंने किया, तो जाहिर तौर पे अभी वो बेहद झटका वाला मोड है। दूसरी बड़ी बात है, अब ये सवालों की बात है कि इस समय मनोहर लाल खट्टर की मनोस्थिति क्या होगी कि अब मैं तो केंद्र में ही रहने वाला हूं। और दूसरा शैलजा कुमारी की स्थिति क्या होगी कि शैलजा कुमारी को एक मैसेज आला कमान को चला गया, अगर ये स्थिति बरकरार रहती है कि मुझे आपने इग्नोर किया, साइडलाइन किया, काउंटर करने की कोशिश की और आज बहन की प्रतिष्ठा के लिए भाई को वोट नहीं पड़े, तो अभी बहुत समीकरण है। लेकिन फिलहाल हम इसमें छोड़ दिया नायब सिंह सैनी का, नायब इसीलिए जाहिर तौर पे और ओबीसी सैनी है माली जी। हुड्डा साहब को एक बार फिर बहुमत से कांग्रेस की सरकार नहीं पड़ेगी। सर जो अभी रुझान आ रहे हैं कैसे देख रहे हैं, क्या सरकार बना रही है? ठीक है आदिति, एक नाम और छोड़ूंगी अनिल विज, जो कई बार कह चुके हैं कि अगली बार डायरेक्ट सीएमआर में मुलाकात करेंगे, सीएमओ में मुलाकात करेंगे। और अभी कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि जनता का मन रहा और आलाकमान का आशीर्वाद रहा तो मैं क्यों नहीं बनूंगा सीएम। तो अभी लड़ाई तो जाहिर तौर पे कुर्सी की शुरू होगी, वो एक अलग मुद्दा है, बीजेपी को बहुत अच्छे नहीं। लेकिन सैनी, नायब सिंह सैनी का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि नायब सिंह सैनी को लाने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको थोड़ा सा डाउनसाइड लेकर आना। नायब सिंह सैनी को लेकर आए, कम वक्त मिला उनको, लेकिन ये भी तय था कि अगर हरियाणा में बीजेपी अच्छा कर जाती है तो फिर किसके सर पर आप ताज को सजाएंगे? बिल्कुल पूर्णिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो मैं यहीं पर ये सवाल करती कि क्या लोकल लीडरशिप की गैर मौजूदगी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे स्टेट खो रही है? और 2024 के चुनाव के नतीजे में जो 240 आंकड़ा आया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लोकल लीडरशिप उस तरीके से गायब है, नए लीडर आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा उस बात पे मोहर लगाता है कि अंततः नरेंद्र मोदी का ही चेहरा चल रहा है। क्योंकि अब आज अगर ये नतीजा बरकरार, बीजेपी ने नारा बदला अपना, तीसरी बार बीजेपी सरकार, जाहिर तौर पे अब की बार मोदी सरकार के नारे से अब की बार बीजेपी सरकार ये हरियाणा में इस बार बदला क्योंकि 2024 का जो 240 के आंकड़े का एनालिसिस में दो बड़ी बातें हैं कि इस बार 400 पार मोदी, तीसरी बार मोदी सरकार और मोदी है तो मुमकिन है। ये तीनों चीजों को लेकर कहीं ना कहीं वोटर्स को ये उस तरह से इंपैक्ट अच्छा नहीं गया, तो उन तीनों को साइडलाइन करने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर यहाँ ये प्रूव होता है अगर ये नतीजे बरकरार रहते हैं कि नरेंद्र मोदी का वो चेहरा है, वो सिक्का है जो हर जगह चलता है। और जाहिर तौर पे अनिल विज अभी अपना बात करेंगे, पर नायब सिंह सैनी वो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने आया हूं। नायब सिंह सैनी एकदम डाउन टू अर्थ हैं, उनको ये पता सोचा भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, डाउन टू अर्थ है, सीधे हैं और जो आलाकमान के डायरेक्शन है वो फॉलो करेंगे, जनता से वो उस तरह से मिलते हैं जैसे वो शायद विधायक भी नहीं हो। तो ये भोलापन बीजेपी के जो वोटर शायद जनता को भी प्रभावित कर, लेकिन
अभी बहुत सारा खेला होना बाकी खेला होना है, बाकी खेला हो चुका है, क्या पलट रहा है, कितना पलट रहा है, अभी इसमें बहुत पानी बहना भी बाकी है। जॉनी लटवाल साहब इस वक्त जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, जो बाहर से मेरे साथ मेहमान जुड़े, एक एक प्रतिक्रिया उनसे भी मैं लेना चाहूंगी। लटवाल साहब, मैं एक ही सवाल के साथ जेजेपी के प्रवक्ता के पास जा पा रही हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही हूं कि यह स्थिति क्यों शून्य पर अभी तक क्यों, इतनी काउंटिंग राउंड होने के बाद शून्य तक ही क्यों, और किंग मेकर वाला जो आपका जज्बा था जिस जब आपने बीजेपी के साथ इससे पहले सरकार बनाई थी, इस बार भी आप उस ताले की चाबी बनने की बात कर रहे थे, तो क्या हो गया ऐसा? देखिए प्रणिमा जी, निश्चित तौर पर अब की बार में जननायक जनता पार्टी है, उसकी चाबी के बिना चंडीगढ़ का रास्ता अब 2024 में भी नहीं खुलने वाला है, क्योंकि तो आप देख रहे हो शुरुआती रुझानों में स्थिति कुछ और थी और हाल फिलहाल स्थिति कुछ और है, देखना आप स्थिति बिल्कुल बदल चुकी होगी। जननायक जनता पार्टी के बिना चंडीगढ़ की विधानसभा का ताला बिल्कुल नहीं खुलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ मनीष सिंह को, जो मनीष सिंह बता रहे थे कि हरियाणा में ड्राफ्ट जो है मात्र वो आपके लिए मनीष जी सुन लीजिए, मैं उनकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूँ। ड्राफ्टों का जो मत प्रतिशत हरियाणा में रहा है 25-27% है, और 21% तो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों का रहा है, और 8% हमारे पंजाबी भाइयों का रहा है, और 7.5% के लगभग हमारे ब्राह्मण समाज का भी योगदान रहा है, और जिसमें 5.1% जो है अहीर और यादव समाज का योगदान रहा है। इसी प्रकार 5% हमारे वैश्य समाज का भी हरियाणा में योगदान रहा है, और जाट सिख कम का 3.8% योगदान रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम आज जात पात की राजनीति से उत्तर हरियाणा के विकास और उन्नति की बात करनी चाहिए। कौन बच्चा किस माँ के कोख से पैदा होगा ये भगवान को ही पता है। लेकिन बाकी सब ठीक है साहब, लेकिन ये सब तो आप तब कर पाएंगे ना जब जनता आपको मौका देगी करने का। आप वैसे कुछ भी कहते, आप कहते रहिए, फिर सुनने वाला कौन है? मैं ये कह रही हूँ, अगर आपका सर खाता नहीं खुला, आपका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता ने आपको नकार दिया, अब उसके पीछे की वजह का आप एनालिसिस सर करते रहिए। पूर्णिमा जी, निश्चित रूप से हरियाणा की जनता जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास जताने वाली जनता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के निर्माता स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल ही थे, और आज किसान कमेरे युवा और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड भाइयों की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है, इसी तस्वीर के साथ चिनाब की खूबसूरती को चार चांद लगे। चिनाब की खूबसूरती को आती हूँ सर, चिनाब की खूबसूरती अब देखिए, स्टूडियो में बैठे हैं तो ग्राफिक के जरिए ही ले लें, और इसी ये जो ब्रिज है इसके ऊपर आप देखिए बीजेपी 46 पर जा रही है, इसके साथ जो कांग्रेस है, क्योंकि यहाँ जो नंबर्स है देखिए 24 पर बीजेपी है, 40 पर एनसी है, और कांग्रेस को मिलाकर उनके नंबर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, 37 चला गया है। ये अभी आपको दिखा रही हूँ मैं स्थिति हरियाणा की। अब इसके साथ साथ हरियाणा की स्थिति और जम्मू कश्मीर की स्थिति, दोनों ही जगह अगर आप देखेंगे तो पहले जहां हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस आगे चल रही थी, अब बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में एक दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, और इसीलिए मुझे अदनान मलिक जी से सवाल लेना होगा, फिर उसके बाद मनीष जी आप जवाब दे दीजिएगा जो जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा है। अदनान मलिक साहब, यहाँ स्थिति क्या नजर आ रही है? छाबड़ा साहब से भी मैं पूछूंगी कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, लेकिन पहले जरा आप मुझे समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ बीजेपी किस तरीके की सिचुएशन में है, क्योंकि अभी मैं इनको सर बाइफर्केट नहीं कर पाई हूँ, घाटी में क्या कोई खाता खुला है बीजेपी का? अभी तक ये क्लियर नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो वो तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा मैं चाहूंगी अदनान साहब की वॉइस करेक्ट करेंगे, अदनान साहब की बात की क्लैरिटी थोड़ा नहीं हो पा रही है, उनका ऑडियो एकदम करेक्ट करेंगे। यही सवाल मेरा राकेश शुक्ला जी आपसे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर मैं सवाल नहीं ले पाई थी आपसे, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मेरा सवाल यह है कि अभी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति दिख रही है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी जहां अभी खड़ी हुई है, आपको लगता है कि इसमें घाटी में कोई भी एक सीट इनके पास आई है, खाता भी खुला है, और अगर ऐसा है तो बीजेपी की फिर पोजीशनिंग आपको मजबूत दिखती है क्या? जो रुझान आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, और मैं तो ये कहूंगा पूर्णिमा जी कि यदि घाटी में
कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी यदि एक भी सीट जीतती है तो वो उसके लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास तो मतदान केंद्र में एक मतदान केंद्र का पोलिंग एजेंट तक नहीं था, एक झंडा उठाने वाला नहीं था। आज यदि वो 19 सीटों पर लड़ रही है और एक भी सीट जीतती है, इसका मतलब ये हुआ कि घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता शुरू हो चुकी है। जहां तक जम्मू रीजन की बात है, जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीटों का टारगेट लेके ही चल रही थी। 43 सीटें हैं, 2014 में 25 सीट जीती थी, लोकसभा चुनाव की जो 2 सीटें जीती उसमें 29 विधानसभा सीटों पे उसका लीड था। यदि वो 30 सीटें भी जीतती है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत अच्छी स्थितियों में बढ़त बना के चल रही है। इसलिए हम घाटी में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ही बना लेगी इस मापदंड को लेके नहीं चले, क्योंकि वहां 2 पुराने दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों गठबंधन बना के चल रहे हैं। और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, वो अन्य क्षेत्रीय दल जो पीडीपी को कमजोर करके चल रहे थे, वही क्षेत्रीय दल आज की डेट में खुद वहां पे स्थापित हैं। तो वहां जिनको हम निर्दलीय मानते हैं, आवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की और इंजीनियर रशीद की पार्टी के कैंडिडेट अभी आगे चल रहे थे साहब, इसीलिए इंजीनियर रशीद तो मुझे लगता है अपने आप में एक रिसर्च पर्सपेक्टिव होना चाहिए। 5 सीटों पे जमात भी, पूर्णिमा जी, वहाँ जमात 5 सीटों पे बहुत मजबूत हालत में है। और उमर अब्दुल्ला पिछली बार जैसे इंजीनियर रशीद ने उनको बहुत बड़ा झटका दिया था, इस बार जेल में बंद सर्जन भी उनके लिए दोनों सीटों पे बहुत बड़ा, और इसीलिए इंजीनियर रशीद के बाहर आने के साथ ही चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उनको बीजेपी की बी टीम बताना उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया था। बहरहाल मैं आती हूँ आपके पास सर, लेकिन क्योंकि अब देखिए लगातार टैली अपनी चाल बदल रही है, जिस तरीके से नंबर्स बदल रहे हैं, ऐसे ही इसी बीच में शेयर बाजार ने भी बड़ी चाल बदली है, ये बताते हुए मैं उसके बाद छाबड़ा साहब के पास जाऊंगी, क्योंकि पहले धड़ाम फिर उसके बाद लंबी उछाल, शेयर बाजार भी आज अपनी मस्त चाल चल रहा है क्योंकि चुनावी नतीजे वैसे ही मदमस्त चाल दिखा रहे हैं। छाबड़ा साहब आपके पास आते हुए, छाबड़ा जी नहीं है।